तो हेलो भाई लोग, यार कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग यार, आज के लिए आपके लिए पास एक इवेंट का वीडियो लेके मैं आया हूँ, जो यार आप लोगों के पास यार क्या बताओ यार, इंतज़ार का घड़ी अभी आ चुका है यार। M1887 का जो नया वाला स्कीन है, वो बढ़िया वाला स्कीन है, वो आज आ चुका है। तो भाई लोग यार, देर किस बात की यार, उसको देख लेते थोड़ा जाके, ठीक है भाई लोग? तो भाई लोग यार, M1887 का जो स्कीन है यार, क्या बताओ यार, ओपी वाला। देखो यार, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे यार, डेंजर वाला यार, खूंखर स्किन है यार भाई लोग, क्या बताऊँ। और इसका जो एबिलिटी है, सिंगल डैमेज, डबल रीलोड स्पीड और एक्यूरेसी बोले क्या, मूवमेंट स्पीड थोड़ा माइनस है, सिंगल माइनस है, ठीक है भाई लोग? तो इसका आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि यार, सिंगल डैमेज डबल रीलोड स्पीड तो आप लोगों को पता ही है, और मूवमेंट स्पीड जो माइनस की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जो हाथ में गन लेके यार एनिमी को मूवमेंट दिखा के मारते हो, वो थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है भाई लोग? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला यार, थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि यार माइनस कर दिए, सिर्फ माइनस, डबल माइनस नहीं, ठीक है भाई लोग? तो भाई लोग यार, आप आज हम इसका प्राइस देखते हैं कैसे मिलेगा ये लोग, ठीक है भाई लोग? तो यार, ये जो लेजेंडरी टोकन है, इसमें आपको मिलेगा, पहले टोकन पे आपको मिलेगा पैराशूट, दूसरे टोकन पे आपको मिलेगा स्केटबोर्ड, ओपी वाला स्केटबोर्ड भाई, लेजेंडरी स्केटबोर्ड, और तीसरे में आपको मिलेगा एक खूंखार प्लाज्मा का स्किन, ठीक है भाई लोग, जिसमें एबिलिटी है डबल रेंज और एक्यूरेसी माइनस। तो भाई यार, ये भी यार ओपी वाला गन का स्किन है, प्लाज्मा का, क्या बताऊँ यार भाई लोग, ओपी वाला स्किन है, ये भी निकल जाए तो बढ़िया है भाई लोग, क्या बताऊँ। और भाई लोग यार, अभी जो चार नंबर स्पिन है, उसमें आपको मिलेगा एक ब्लू प्रिंट, जो यार सफारी रोइट का तो यार इंक्लूडर का अभी जो बंडल है, उसका ब्लू प्रिंट मिलने वाला है। तो भाई लोग यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो भाई लोग यार, और पाँच नंबर स्पिन पे यार, क्या बताओ, पाँच नंबर स्पिन पे जो गन मिलने वाला है आप लोगों को, वो भाई ओपी, M1887 का हैंड ऑफ होप बंडल भाई, ओपी भाई यार, ओपी गन का स्किन है भाई लोग। तो क्या बताओ यार इसके स्किन के बारे में यार। तो भाई लोग यार, मैं आप लोगों को लास्ट तक यार वीडियो को जरूर देखो यार, लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें यार 400 से 500 डायमंड में निकल जाएगा। तो भाई लोग यार, इसमें दो, एक नुकसान है एक फ़ायदा है भाई। नुकसान ये है कि यार ज़्यादा डायमंड लग सकता है, ये इवेंट पहले भी दे चुका है, आप लोगों को पता है, 1000 से 1500 डायमंड लग जाएंगे। और फ़ायदा ये है कि यार, जो ब्लू पिन अगर मिल गया, तो तीन स्टोन अगर आपके पास है, तो लास्ट वाले बंडल को आप निकल सकते हो, ठीक है भाई लोग? और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यार, जिसके पास ट्रॉपिकल पैरेट जो टू शूटर का स्किन है, उस अगर किसी के पास है, तो यार वो नहीं निकले तो ही अच्छा है यार, निकल लिया तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यार ट्रॉपिकल पैरेट को चैलेंज दे सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल पैरेट से यार बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है भाई लोग? बेहतर भी हो सकता है यार, सब कुछ हाथ में यार, आप जैसे चलाओगे वैसे ही होगा, ठीक है भाई लोग? तो यार, जो बताने जा रहा हूँ मैं बता दिया, ठीक है भाई लोग? तो और जो स्ट्रीक बताने वाला हूँ मैं अभी, वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो भाई लोग यार, वीडियो को पहले लाइक करो, और चैनल पर जो भी नहीं हो सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई लोग? जो ट्रीक है वो है भाई लोग यार, आप पहले पास पिन करोगे, उसके बाद कैरेक्टर स्किल, पास पिन के अगर निकल गया तो कैरेक्टर स्किल चेंज नहीं करो, कैरेक्टर चेंज नहीं करो, अगर नहीं निकला तो कैरेक्टर चेंज कर लो, और फिर से अगर निकल गया तो मत करो, और नहीं निकला तो चेंज करो, ऐसे कैरेक्टर चेंज करो और स्पिन करो, तब भी भाई लोग यार आपके पास निकल जाएगा। तो भाई लोग यार, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई लोग? तो भाई लोग यार, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल दूसरे वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।